गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एराइल हैलाइड्स की रिएक्शंस की थी, जिसमें कि हमने उनके न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कवर की थी। तो आज हम उनका मैकेनिज्म करेंगे कि व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो टू मैकेनिज्म्स से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस को। फर्स्ट इज़ नोन एज बाई मोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। बाई मोलिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि टू स्टेप्स में आपका ये मैकेनिज्म आपका अकर होगा। फर्स्ट स्टेप में एडिशन होगा एंड सेकंड में एलिमिनेशन होगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। अब ये जो बाई मोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म होता है, ये कौन से एराइल हैलाइड शो करते हैं और किन कंडीशंस में शो करते हैं? ये आपके जो बाई मोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म है, अगर आपका माइल्ड न्यूक्लियोफाइल होगा या यू कैन से माइल्ड आपका बेस होगा, स्ट्रॉन्ग ना हो, माइल्ड हो, ठीक है। और आपके जो एराइल हैलाइड्स हैं, अगर उन एराइल हैलाइड्स में आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन लिया और उस क्लोरोबेंजीन पर हमने ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया, पैरा पे भी लगा दिया, या दोनों पे लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके रिएक्ट करेंगे बाई मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। सेकंड मैकेनिज्म आपका होता है, सेकंड मैकेनिज्म आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है, इसको आप एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब ये उसका उल्टा हो गया, इसमें फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन होगी और सेकंड स्टेप में एडिशन होगी, और जो इंटरमीडिएट बनता है इस केस में, दैट इज बेंजाइन इंटरमीडिएट, दैट्स व्हाई हम इस मैकेनिज्म को बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बेंजाइन मैकेनिज्म होता है, ये आपका किन कंडीशंस पे होता है? अगर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस आपका है, जैसे कि आपने सोडामाइड पड़ा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया आप रिएक्शन करते हैं, तो इस स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे जो आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक आपका कंडीशन है, या आपके एराइल हैलाइड हैं, सिंपली एराइल हैलाइड यू कैन से, जिनके ऊपर कोई भी आपका एक्टिवेटेड, जैसे यहाँ तो ये आपके एक्टिवेटेड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने इसको एक्टिवेट कर दिया था, ठीक है। तो यानी कि सिंपली एराइल हैलाइड्स आपके अगर जो हैं, जैसे सिंपली आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन वगैरह, या आपके एराइल हैलाइड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हों, अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हों एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, ऑर्थो क्लोरोटोल्विन की अगर मैं बात करूँ, हम आगे मैकेनिज्म भी करेंगे तो देखेंगे वहाँ हम, इट अंडरगोज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, यू कैन से इट अंडरगोज बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी तक आपको ये क्लियर है कि दो मैकेनिज्म हम करेंगे, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, बाई मोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट माइल्ड न्यूक्लियोफाइल, और बेस प्रेजेंस में कौन से एराइल हैलाइड शो करेंगे, जिन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, और एलिमिनेशन एडिशन आपके स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होगा, और कौन से एराइल हैलाइड शो करेंगे, जो या तो सिंपली आपके अनएक्टिवेटेड एराइल हैलाइड हैं, कुछ भी नहीं लगा हुआ, या आपके जो उन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, वो आपके ये शो करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से अब हम दोनों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बाई मोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन
मैकेनिज्म। तो आप देख रहे हैं अब इसके फर्स्ट स्टेप में एडिशन होगी। तो पहला स्टेप आपका क्या होता है कि आपने अपना एक्स लिख देती हूँ मैं, ये आपका सिंपल एराइल हैलाइड है, ठीक है। इस सिंपल एराइल हैलाइड पर आपने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है, अब एडिशन है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है इस मैकेनिज्म में, रिएक्शन आपकी दो स्टेप्स में होगी। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द कार्बन एट विच हेलोजन इज प्रेजेंट, इस कार्बन पर ये अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो आप इसके एक मिनट पोजिशन चेंज कर लो, ईजी रहेगा आपको बनाना। ये सपोज करो डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा ये वाला, व्हाट हैपेंस, ये इधर शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में ये कार्बन आयन बन गया। कार्बन आयन कैसे, यहाँ आपका एक्स भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल आपका आके इसके साथ लग गया, और जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दिस इज कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन आयन है। अब कार्बन आयन जब ये बना है तो दिस कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। देखिए कैसे, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, ये आपका ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये नेगेटिव, ये एक्स, ये एन यू, एंड नेक्स्ट में दिस विल मूव हेयर, दिस विल मूव हेयर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बन गया जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, अब आपका यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, एंड एक्स एंड न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन कंटेनिंग हैलाइड, जिस कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट है उस पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, एंड दिस कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब क्या होता है, जब ये कार्बन आयन बना है तो कार्बन आयन बनते टाइम जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर आप इस कार्बन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और यहाँ जो कार्बन आयन बन गया है हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक तो sp2 से sp3 हो गई है, एंड ये एरोमेटिक है, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर इसका लोस्ट हो गया है कार्बन आयन का, बेंजीन रिंग का, यू कैन से बेंजीन रिंग का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है दैट इज लोस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो इस वजह से इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, मींस दिस विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा मैकेनिज्म, एंड दिस विल डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल आपका अटैच हो गया है, ये जो कार्बन आयन आपका बना हुआ है, दिस इज एक्स, दिस इज एन यू, ठीक है। इसको आप रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में बना सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज किसी भी स्ट्रक्चर कार्बन एटम पे आपका प्रेजेंट था, तो दैट विल नाउ लूज हैलाइड आयन, एंड दिस इज फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये आपका फास्ट रहेगा, न्यूक्लियोफाइल आपका लग जाएगा, एंड एक्स नेगेटिव इज लॉस्ट, ये आपका हैलाइड आयन रिमूव हो जाएगा। तो देखिए दो स्टेप में हुई है, दिस स्टेप इज एडिशन एंड दिस सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेशन, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में देयर इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड स्टेप में देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड आयन, राइट। अब क्या होता है कि ये बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म जब आपका हो रहा है, तो इससे आप देखिए रिएक्टिविटी जो आपकी है, अगर आप एराइल एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन कर रहे हैं, अगर आप एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन करते हैं, तो एल्काइल हैलाइड्स में आपके क्या, आपने चाहे SN1 कर रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ा था कि आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड्स विच आर मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं जैसे बात करूं कि सपोज करो मेरा टर्शरी आपका ब्यूटाइल
कोई भी हेलाइड है, मैंने सपोज करो आई लगा दिया, तो सी आई बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है फर्स्ट स्टेप में। यहाँ एस एन वन मैकेनिज्म में आयनाइजेशन आपकी होती है और आयोडाइड आयन आपका रिमूव हो जाता है एंड कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। तो सी आई आपका किस केस में जल्दी ब्रेक, सॉरी ये सी एक्स बॉन्ड आपका कब जल्दी ब्रेक होगा, जब वो आयोडाइड है एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड एज कम्पेयर टू क्लोराइड, ठीक। लेकिन अगर हम एराइल हैलाइड्स की बात करें तो एराइल हैलाइड्स में चाहे आपका आयोडाइड हो, चाहे आयोडाइड हो, चाहे आपका ब्रोमाइड हो और चाहे आपका क्लोराइड हो, रिएक्टिविटी इज़ आलमोस्ट सेम। रिएक्टिविटी जो होती है दैट इज़ आलमोस्ट सेम, ठीक है। तो रिएक्टिविटी यानी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि आपकी एल्काइल हैलाइड्स में कार्बन हेलोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो एराइल हैलाइड्स में ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। जो कि ये चीज़ आपको ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड की क्लीवेज नहीं हो रही, क्लीवेज डू नॉट अकर। और आप देख रहे हैं कि इस मैकेनिज्म में कार्बन हेलोजन बॉन्ड की फर्स्ट स्टेप में आपकी क्लीवेज नहीं हो रही, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जस्ट आके लग रहा है आपका इस कार्बन एटम पे और आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्लीव नहीं हो रहा, जो कि आपका सिंपल एल्काइल हैलाइड्स में हो जाता है। इसी वजह से वहाँ आयोडाइड्स की रिएक्टिविटी आपकी ज़्यादा होती है। यहाँ तीनों की रिएक्टिविटी चाहे आप आयोडाइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो या क्लोराइड ले लो, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक जो सब्स्टिट्यूशन का रेट है एराइल हैलाइड्स में आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, चाहे आप आयोडोबेंजीन ले रहे हो, ब्रोमो ले रहे हो, क्लोरो ले रहे हो। तो ये चीज़ आपकी ये इंडिकेट करती है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्लीव नहीं हुआ है। और आप देख रहे हैं इस स्टेप में हमारा कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर कार्बन हेलोजन बॉन्ड आपका क्लीव नहीं हो रहा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्लीव नहीं हो रहा। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है, ये चीज़ इंडिकेट करती है कि जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दैट अकर्स बाय बायमोलिकुलर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन विच रेट ऑफ द रिएक्शन जो है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द रेट एट विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द एराइल हैलाइड टू फॉर्म यू कार्बन आयन, ठीक है, एंड नॉट बाय द स्टेप इन विच कार्बन हैलाइड बॉन्ड इज ब्रोकन। यानी कि सेकेंड स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग नहीं है, आपका फर्स्ट स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मैकेनिज्म था बाई मोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म और यू कैन से एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, जिसमें कि आपका पहला स्टेप एडिशन रहा एंड सेकेंड स्टेप आपका क्या रहा, एलिमिनेशन। अब सेकेंड मैकेनिज्म हम करेंगे, इस सेकेंड मैकेनिज्म में देखिए आप, सेकेंड मैकेनिज्म इज नोन एज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज बेंजाइन मैकेनिज्म, क्योंकि जो इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में बनेगा दैट इज बेंजाइन। ठीक है, तो ये आपके सिंपली एराइल हैलाइड शो करेंगे जिनमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जैसे क्लोरीन आपका है, कोई आपका अनएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सिंपली क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं। जब आपने इसको स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया जब आप ये रिएक्शन करते हैं 196 केल्विन पर ये रिएक्शन होगी और आपका क्या बन जाएगा, सीएल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप, योर एनिलिन इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है दैट डजंट अकर बाय बाई मोलिकुलर
डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म, दिस रिएक्शन अकर्स बाय एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म एंड इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। अब इसमें बेंजाइन बनेगा आपका, दो स्टेप्स में ये रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये जो एमाइड आयन है दैट विल एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटोन फ्रॉम टू फॉर्म कार्बन आयन। कार्बन आयन बनेगा पहले, जो कि आपका फिर हैलाइड आयन लूज करेगा टू गिव यू बेंजाइन। ठीक है, तो देखिए ये आपका सपोज करो बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ आपका हेलोजन प्रेजेंट था और यहाँ इसकी पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो NH2 नेगेटिव आयन NH2 जो है फ्रॉम दिस सोडामाइड दैट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटोन, ये प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, एक कार्बन आयन बन जाएगा, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका चला जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर आपके, अभी Cl प्रेजेंट है और इस NH2 नेगेटिव ने आपके क्या किया, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और अमोनिया बन गया आपका। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसमें क्या होगा, दिस नेगेटिव आयन विल शिफ्ट हेयर, ये नेगेटिव आयन आपका, अच्छा ये पेयर यहाँ प्रेजेंट है बेंजीन रिंग वाला, दिस नेगेटिव जो चार्ज आया था यहाँ पे कार्बन आयन जो बना था दैट विल शिफ्ट हेयर एंड रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ एक्स नेगेटिव, तो आपका क्या बन जाएगा, अमोनिया मैं यहाँ लिख रही हूँ रिलीज, क्योंकि मेरे को दोनों स्टेप आपको एक ही बार में दिखाने हैं बोर्ड पे, तो दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट एंड दिस इंटरमीडिएट इज नोन एज बेंजाइन। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, कौन सा स्टेप है, एलिमिनेशन रिएक्शन। आपने देखा जो हमने क्लोरोबेंजीन लिया उससे आपका हैलाइड आयन एलिमिनेट हो गया है और आपका एक इंटरमीडिएट बना है दैट इज नोन एज बेंजाइन। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, एडिशन होगी, ये जो बेंजाइन आपका बना था इस पर आपका एमाइड आयन का अटैक होगा, ठीक है, और एमाइड आयन का अटैक होके पहले वही कार्बन आयन बनेगा एक, और जो कि फिर आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। तो दिस इज योर बेंजाइन, ये बेंजाइन आपका बना, NH2 नेगेटिव क्या करेगा, NH2 नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, दिस विल शिफ्ट हेयर, तो ये आपका कार्बन आयन बन गया, देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आपका आ गया, NH2 आपका यहाँ लग गया। ठीक है, अब इस कार्बन आयन का क्या होगा, जो ये अमोनिया प्रेजेंट है NH2, आपने अमोनिया की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, तो ये जो नेगेटिव है दैट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, ठीक है, और NH2 नेगेटिव ग्रुप इज, NH2 नेगेटिव जो आपका ग्रुप है दैट इज रिलीज्ड और आपका फाइनल प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया, जिसमें आपका हेलोजन जो था फर्स्ट स्टेप में दैट इज रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ दिखाना है तो दिखा दो, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, तो आपका एनिलीन बन गया। तो देखिए दो स्टेप में आपकी ये रिएक्शन हुई है, पहला आपका एलिमिनेशन स्टेप है, उस एलिमिनेशन स्टेप में एमाइड आयन ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, कार्बन आयन बना है और उस कार्बन आयन से हैलाइड आयन एलिमिनेट हो गया है और आपका बेंजाइन बना है, तो हैलाइड आयन की एलिमिनेशन हो गई, तो दिस इज एलिमिनेशन। एंड सेकंड स्टेप में अब क्या होगा, जो एमाइड आयन है ये इस बेंजाइन इंटरमीडिएट पर ऐड होगा, कार्बन आयन बनेगा, दैट कार्बन आयन विल एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटोन फ्रॉम द अमोनिया टू गिव यू द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज एनिलिन, तो आपका एनिलिन बन जाएगा। ठीक है, अब कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका ये जो रिएक्शन है वो आपकी एनिलिन जो बनी है वो बेंजाइन मैकेनिज्म से आपकी बनी है, तो आप इसको ट्रेसर स्टडीज से, ट्रेसर स्टडीज आपको पता है रेडियो एक्टिव कार्बन आप कोई भी ले लेते हैं, तो ट्रेसर टेक्निक से आप जो है
ट्रेसर टेक्निक में आप क्या करते हैं, कोई भी आप कार्बन एटम ऐसा ले लेंगे जिसमें आपके कार्बन एटम 14 रेडियो एक्टिव कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। जैसे कि ये आपने क्लोरोबेंजीन लिया, इस क्लोरोबेंजीन पर ये कार्बन आपका रेडियो एक्टिव था, ठीक है। तो लेबल्ड आपने अब क्लोरोबेंजीन ली जिसमें अभी आपका जो क्लोरीन अटैच है वो किस कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, जहाँ कार्बन 14 के साथ, ठीक है। अब जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम क्लोराइड इन अमोनिया एट 196 केल्विन, तो आपको पता है आपका इंटरमीडिएट बनेगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा। तो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया जिसमें ये आपका रेडियो एक्टिव कार्बन है, ठीक है। अब आपका जो NH2 नेगेटिव है वो NH2 नेगेटिव के इक्वल चांसेस हैं कि वो इस पर भी अटैक कर सके और वो आपका इस कार्बन पर भी अटैक कर सके। तो यानी कि आपका एनिलिन बने जिसमें यहाँ पर आपका रेडियो एक्टिव कार्बन प्रेजेंट है, एंड सेकंड आपका बने NH2 यहाँ लगे और आपका रेडियो एक्टिव कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि आपकी 14 कार्बन एनिलिन भी बने, 1 का मतलब ये 1 पे NH2 ग्रुप आपका प्रेजेंट है और यहाँ NH2 है तो ये 1 हो गया, तो ये अब आपका कार्बन 14 सेकंड हो गया, तो 2 कार्बन 14 एनिलिन। तो इट वाज फाउंड कि यू आर बोथ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, आपका ये प्रोडक्ट भी बनेगा जिसमें NH2 जो है दैट इज लिंक टू कार्बन कंटेनिंग कार्बन 14, और आपका ऐसा ये एनिलिन भी बनेगा जिसमें आपका जो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट टू द कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम पे 14 प्रेजेंट है उसकी ऑर्थो पोजिशन पर आपके ये लेबल्ड कार्बन प्रेजेंट है। यानी कि ये रिएक्शन आपकी ये शो करती है कि ये जो रिएक्शंस आपकी हुई हैं दैट अक्कर थ्रू योर बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपके जो हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, जैसे कि अब आपका ऑर्थो क्लोरो टोल्विन है, इसकी आप रिएक्शन करते हैं वही सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया वही 196 केल्विन पर। तो देखिए अब आप ये कहेंगे कि इस रिएक्शन में बेंजाइन इंटरमीडिएट बना है, अब बेंजाइन इंटरमीडिएट आपका बना है, क्लोरीन आपका रिमूव होगा, CH3 प्रेजेंट है, बेंजाइन इंटरमीडिएट आपका बन गया, ठीक है। अब जब जो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया इसमें अब आपका NH2 नेगेटिव का अटैक होना है, तो NH2 नेगेटिव के चांसेस है कि यहाँ पर भी जाके अटैक करे या यहाँ पर भी जाके अटैक करे। तो इट वाज फाउंड जब भी आप ऑर्थोक्लोरोटोल्विन की रिएक्शन करते हैं तो आपको जो है ऑर्थो पर भी ये ग्रुप मिलेगा और आपको मेटा पर भी ये ग्रुप मिलेगा, ठीक है। यू विल गेट ऑर्थोटोल्विडिन एंड मेटाटोल्विडिन बोथ इन ऑलमोस्ट 50% रेशो, मतलब आपको इक्वल अमाउंट्स में ये मिल रहा है, तो जो कि ये चीज़ इंडिकेट करती है कि यस दिस रिएक्शन अकर्स थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। इसी तरह ये तो मैंने ऑर्थो लिया, अब मैं पैरा लेके देखूँ, अगर मैंने पैरा लिया, पैरा में हमारा क्या है, जब मैं पैरा में ये रिएक्शन कर रही हूँ तो पैरा में देर आर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3 प्रेजेंट है, और पैरा में यहाँ मैंने ये, चलो ये कर दो, पैरा में चांसेस हैं आपकी जैसे यहाँ 1-2 बेंजाइन बनी थी, यहाँ आपकी 3-4 बेंजाइन बनेगी। अब 3-4 बेंजाइन बनी, अब आपका NH2 नेगेटिव का अटैक कर रहे हो तो वो NH2 का अटैक देखिए आपका मेटा पोजीशन पे भी हो सकता है और पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है। यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट बनता है वो आपका मेटा टोल्विडिन भी बन रहा है और पैरा टोल्विडिन भी बन रहा है।
ठीक है, जब आपने ऑर्थोटोलविडिन ऑर्थोक्लोरोटोलविन की करी तो आपको ऑर्थोटोलविडिन भी बन रहा है, मेटाटोलविडिन भी, यहाँ आपका मेटाटोलविडिन भी बन रहा है और आपका पैराटोलविडिन भी बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या इंडिकेट करती है कि आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट हर हाल में बना है, आपका जो है दिस रिएक्शन अकर्स थ्रू बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, और अगर मैं अब यहाँ पे बात कर सकती हूँ, मैं पैरा की मेटा की बात करूँ, अगर मैंने मेटा क्लोरोटोलविन लिया तो मेटा क्लोरोटोलविन में देखो मेरे दो चांसेस हैं, मेटा क्लोरोटोलविन में देखिए, एक तो ये क्लोरीन निकला और आपका ये जो है बेंजाइन बना 1,2-बेंजाइन। ठीक है, और एक आपके इक्वल चांसेस हैं कि आपका ये यहाँ से ये आपका निकला, सॉरी वन थ्री बेंजाइन, वन थ्री नहीं, ये आपका 1,2 हो गया और ये आपका 3,4 हो गया, 3,4 बेंजाइन बेंजाइन। ठीक है, मेटा में क्योंकि यहाँ से आपका हाइड्रोजन गया तो आपका 1,2-बेंजाइन बन जाएगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट होगा तो आपका 3,4-बेंजाइन बन जाएगा। अब आपका NH2- का अटैक होना है तो NH2- का अटैक देखिए आपका ऑर्थो पोजिशन पे भी होगा, आपका मेटा पोजिशन पे भी होगा, और यहाँ की बात करें आप NH2 का मेटा पोजिशन पर भी आपके अटैक होगा और आपका पैरा पोजिशन पे भी अटैक होगा, यानी कि आपको ऑर्थो मेटा एंड पैरा टोल्विडिन तीनों आपको मिलेंगे इन केस ऑफ मेटा क्लोरो टोल्विन। तो ये चीज़ आपकी क्या प्रूव करती है कि जब भी आप ऑर्थो मेटा पैरा क्लोरोटोल्विन की को ट्रीट करते हैं सोडामाइड के साथ, अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ योर 196 केल्विन टेम्परेचर, देन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्थो के केस में आपको ऑर्थो मेटा मिलेगा, मेटा के केस में आपको ऑर्थो मेटा पैरा तीनों मिलेंगे, और पैरा के केस में अभी मैंने आपको दिखाया था मेटा और पैरा मिलेगा। ये चीज़ आपको ये प्रूव करती है कि दिस रिएक्शन जो है दैट अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट, इन रिएक्शंस में बेंजाइन इंटरमीडिएट बना है तभी आपके ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके बन सकते हैं, राइट। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, जो कि आपकी बाई मॉलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हो सकती है और आपकी बेंजाइन मैकेनिज्म से भी हो सकती है, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टू डेज लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।